हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों बीएसएससी 10+2 एग्ज़ाम का आज आखिरी दिन है, यानी दोस्तों आज अभी मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है और क्वेश्चन पेपर लीक होने की खबर आ रही है। तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताएं ये सारा क्वेश्चन जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है ये आज का ही है कि नहीं। अगर आज का होगा, अगर कन्फर्म होगा आज का ये, तो दोस्तों बीएसएससी को सारा एग्ज़ाम को रद्द करना होगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आउट होना कोई खेल नहीं है और बच्चे सबका ये भविष्य की बात है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर शिफ्ट का क्वेश्चन आउट हो जा रहा है और पेपर न्यूज़ में बताया जा रहा है कि बच्चे जो है क्वेश्चन लेके भाग गए, इसके कारण क्वेश्चन आउट हुआ है। लेकिन दोस्तों अभी जो आप लोग को हम क्वेश्चन बताएंगे, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि ये क्वेश्चन पेपर कब का है। तो दोस्तों चलिए हम आप लोगों को क्वेश्चन बताते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल, विधान परिषद का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है काइटिन, डोरिस, ऑक्टोपस, उसके बाद योलिस। नीचे दिए गए विकल्पों में बेमेल शब्द को चुनिए। तो दिया हुआ ए में SQRE, बी का COME, SOON, उसके बाद KNOW। चार नंबर क्वेश्चन का पूछा गया है, सीता और गीता के आय का अनुपात 5:3 है। यदि सीता और गीता क्रमशः 1200 और 900 बचाती है तो व्यय का अनुपात 2:1 है, तो सीता की आय क्या होगी? उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है पचमा, x अनुपात y बराबर 2:3, y बराबर z बराबर 2:1 और ए जेड अनुपात ए बराबर 1:3, तो एक्स वाई अनुपात जेड अनुपात ए ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे। उसके बाद वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितनी है निर्धारित है? राजीव रोहित से 180 दिन बड़ा है। यदि रोहित का जन्म मंगलवार को था तो राजीव का जन्मदिन किस दिन होगा? उसके बाद कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? उसके बाद गोल देश का नया नाम क्या है? उसके बाद दसवां क्वेश्चन है, माया अपने घर से उत्तर की ओर चलना शुरू करता है और 30 किलोमीटर तक जाती है, वह पश्चिम की से पश्चिम को पश्चिम है और 40 किलोमीटर जाती है, तो अब अपने स्थान से घर से कितनी दूरी पर है? नीचे दिए विकल्पों को सही संबंध ज्ञात करें। तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन हमें लग रहा है आज 10 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है और हमने इस क्वेश्चन को पोस्ट किया था और बच्चे का जवाब है कि आज का ही यह क्वेश्चन पेपर है। तो दोस्तों अगर आज का ये क्वेश्चन पेपर है तो बीएसएससी को इसका जवाब देना होगा कि हर दिन जो क्वेश्चन लीक होने की खबर क्यों आ रही है। दोस्तों आप लोग हमें कॉमेंट करके बताएँ, तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।